राष्ट्रीय समाज पार्टी ने भी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। पार्टी पदाधिकारियों ने रविवार को जोधपुर में इसकी घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पदाधिकारियों ने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अपनी पार्टी की प्राथमिकता के बारे में बताया। राष्ट्रीय समाज पार्टी जो महादेव जी जानकर के नेतृत्व में काम कर रही है, तो ये राष्ट्रीय समाज पार्टी आने वाले समय में विधानसभा जो इलेक्शन आ रहा है उसमें से हम 100 सीटें लड़ाने वाले हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से। राजस्थान में दो पार्टी का राज चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी का। यहाँ पर तीसरी पार्टी अभी तक उभर कर आई नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। और हम भी यही बताते हैं कि हम बहुत अभी इतना बड़ी बात होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी हमने लॉन्च किया है। हम बरसों अभी एक बरस से हम यहाँ का काम कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम अभी यह इतना बोलने के लिए काबिल है कि हम 100 सीटें लड़ा सकते हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा रहेगा कि ये जो राज कर रहे हैं राजस्थान में, जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय समाज पार्टी, तो ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समाज पार्टी, और ये जो जाति दंगे या तो फैला रहे हैं, जो नफरत फैलाई जा रही है, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरी है जो गैर बराबरी है, आर्थिक है, सामाजिक है या राजनीतिक है, उसको हम नष्ट करने के लिए हमारी पार्टी यहाँ काम